हमारे साथ हैं प्रताप भानु शर्मा जे संगठन प्रभारी हैं और उनसे हम जानकारी लेके प्रयास करी थे कि भाई साहब एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अभय मिश्रा जो 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे रीवा विधानसभा से, जिन्हें दावेदार माना जा रहा था सिमरिया विधानसभा से केपी त्रिपाठी विधायक के खिलाफ में, आज वो जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास पहले ये बताएं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी यही जानकारी है कि उन्होंने भाजपा के कार्यालय में जाकर भाजपा ज्वाइन कर ली और वो ये 3-4 महीने से लगातार प्रयत्नशील थे और सौदेबाजी कर रहे थे कांग्रेस उनके लिए टिकट देने के लिए क्लियर कर दे रीवा से या सिमरिया से, या फिर वो जाके कहीं बीएसपी में जाते थे कहीं बीजेपी में जाते थे, इस तरह से करते थे। कांग्रेस के नेतृत्व ने साफ कह दिया था कि सर्वे के आधार पर जैसे कार्यकर्ता चाहेंगे जैसे क्षेत्र की जनता चाहेगी हम तदनुसार उम्मीदवार तय करेंगे, किसी के दबाव में तय नहीं कर सकते। और इसी पर पूरा सर्वे हो रहा है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, उनसे सब फीडबैक ले रहे हैं, हो सकता है उन्हें कोई जल्दबाजी रही हो और वो उनका चुनाव लड़ना ही उनका लक्ष्य रहा हो, पार्टी में तो कोई उनका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं था आने के बाद में, वो वापस भाजपा में अपने ओरिजिनल दल में चले गए। जब कांग्रेस में आए थे तो खूब गालियां दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्ट बता रहे थे नेतृत्व को, शिवराज सिंह जी बहुत बुराइयां कर रहे थे और सब कह रहे थे कि, परंतु उनकी कलई थी जब चुनाव लड़े थे ये बात तभी खुल गई थी, 18,000 वोटों से हार गए थे वो। तो हम तो मेरिट के आधार पर उम्मीदवार तय करते हैं, पार्टी सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी टिकट देंगे, उन्हें सबर नहीं थी, सौदेबाजी हो गई होगी चले गए जी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कांग्रेस अपने संगठन के बलबूते पर, कार्यकर्ता के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और यदि कांग्रेस प्रत्याशी की वो खिलाफत करेंगे तो वही तदनुसार जवाब दिया जाएगा जी। निश्चित तौर पर अभय मिश्रा एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था कांग्रेस का, लेकिन एकाएक ये फैसला लेना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा ये कहा जाना कि हमने इशारा दे दिया है उन उम्मीदवारों को कि जिन्हें चुनाव लड़ना है जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार है, कहीं इस वजह से ये जल्दबाजी की पूर्व मुख्यमंत्री की जल्दबाजी से तो ऐसा कोई मामला नहीं आ गया सामने कि अब अंदर अंदर कांग्रेस के ही अंदर भड़बड़ाहट बन गई है। नहीं नहीं, आप वो ठीक रहा कुछ भी फोड़ते रहे, परंतु उनके मन की बेईमानी सामने आई है और हम तो सिस्टम से काम कर रहे हैं। इस बार एक एक विधानसभा क्षेत्र का इसमें सर्वे हो रहा है, पूरी रिपोर्ट हो रही है, ग्राउंड रियलिटी कार्यकर्ताओं से संगठन से इकट्ठे करने के बाद ही सब निर्णय होगा और अभी जो सिटिंग विधायक है उनके बारे में ही कुछ निर्णय लिया होगा कमलनाथ जी ने, और इस तरह से अखबार में न्यूज आती रहती है। और ये यदि दबाव बना रहे थे तो दबाव में कांग्रेस का टिकट नहीं होता कभी भी फाइनल, सौदेबाजी से फाइनल नहीं होता। और भाजपा का तो ये चरित्र बन गया है कि वो सौदेबाजी करके ही सरकार बनाती है, सरकार उनकी चुनती नहीं है जनता, और सौदेबाजी का जो आया राम गया राम की परिपाटी और परंपरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व के काम है, हमने कभी इस काम को तरजीह नहीं दी। और यदि आज वो उन्हें भाजपा के लॉन्ड्री में जाकर भाजपा के नेताओं से मिलकर आप आज उन्हीं की तारीफ कर रहे हो, अपने पापों को धो रहे हो, तो धोते रहो, हमें क्या की चिंता है। नहीं बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अभय मिश्रा के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है शायद भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के लिए ये मंथन का विषय है कि आखिर अभय मिश्रा जैसे एक व्यक्तित्व जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस से जाने जाते थे, कांग्रेस के लिए जो है जाने जाते थे, आज अब वो भाजपा के लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि मतलब कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का होना अभय मिश्रा के लिए, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा विषय नहीं था कि इनको टिकट ना देना चाहती हो या फिर और कुछ वजह थी? अभी तो कोई टिकट की बात ही नहीं हुई और वो स्वयं टिकट चला रहे हो तो उसके लिए कांग्रेस संगठन जिम्मेदार थोड़ी हो सकता है। और दूसरी बात, वो भाजपा के पुरानी मानसिकता के उसी मानसिकता के आदमी थे और वही बात वो चाहते थे कि कैसे दबाव में करके सौदेबाजी में करके टिकट हासिल कर ले और कांग्रेस संगठन को दबाव में ले आए कि मुझे ये नहीं, आप नहीं दे रहे तो वो टिकट दे रहा है, वो नहीं दे रहे तो बीएसपी टिकट दे रहा है। इन सब दबाव में हमारे नेतृत्व आते नहीं, मेरिट के आधार पर कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर और सर्वे के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और जिस क्षेत्र में जनता की सेवा करे, जिसे क्षेत्र की जनता चाहे, जिसे कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे, उसे कमलनाथ जी टिकट देंगे।
भाई साहब आपने अभी एक बात बड़ी बात कही कि पैसे के दम पर और सौदेबाजी के दम पर टिकट हासिल कर लेना एक बड़ी बात है, लेकिन आपने भी तो 2018 में रीवा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया था, तो किस बिहाव पर दिया था, किन आधार पर दिया था, ये भी कुछ स्पष्ट करेंगे क्या? हाँ देखिए, 2018 में जब उन्हें टिकट मिला था तो कांग्रेस नेतृत्व के सामने जाके वे गुहार लगाते थे, रोते थे, मुझे परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप ये लगाते थे, शिवराज सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, प्रशासन मेरी सुनता नहीं है। उन्हें हो सकता है ये अंदाजा लग गया हो कि अब उन्हें टिकट ना मिलेगा तो कांग्रेस के दरवाजे आ गए थे और मैं कांग्रेस के निष्ठावान बन के काम करूंगा। उनके निष्ठा से टिकट में नेत स्वार्थ में रही है, कभी कांग्रेस नीतियों में या कांग्रेस संगठन में नहीं रही, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना वक्त दिया और एक गंभीर विषय पर को भी हृदय से धन्यवाद जी, और मुझसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा अभय मिश्रा के कैरेक्टर को आप जानते हो, मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए धन्यवाद भाई साहब, और ये जो क्षण है निश्चित तौर पर पार्टियों के लिए एक बड़ा क्षण माना जा रहा है, और निश्चित तौर पर जो भी कुछ कदम अभय मिश्रा के द्वारा उठाया गया है एक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं, तो आप अपने और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।